हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि एक वैश्य थे, बड़े वैष्णव थे और बड़े धर्मनिष्ठ थे। उन्होंने निश्चय किया था कि किसी एक संत को, भगवत भक्त को, वैष्णव को भोजन करा के ही हम भोजन करेंगे। और निरंतर उनके यहाँ संत महत्पुरुष वैष्णव हरिभक्त आते रहते थे और बड़े प्रेम से वे आतिथ्य करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि 3 दिन तक कोई भी भक्त उनके यहाँ नहीं आया, न कोई साधु संत वैष्णव कोई नहीं आया। तो अपने नियम के अनुसार 3 दिन तक वे जल पर ही रहे, कुछ नहीं खाया। अंत में उन्होंने अपने सेवक को कहा, भैया द्वार पर खड़े रहो, साधु संत की आकृति के जैसा कोई भी दिखाई पड़े उसको आदरपूर्वक ले आओ। एक दाढ़ी और केश वाले एक व्यक्ति, तिलक वगैरह कुछ नहीं था, ऐसे ही खाली दाढ़ी और पंचकेश से लग रहा था कि कोई साधु होगा। उनको बुलाया, हमारे सेठ जी आपको बुला रहे हैं, आ गए। सेठ जी ने प्रणाम किया, चरण धोए, आसन पर बिठाया और कहा कि भोजन प्रसाद पाइए, हाँ भूख तो लगी है, लाओ। तो सामने भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद रख दिया। बड़े प्रसन्न हुए कि चलो कम से कम 3 दिन बाद कोई ना कोई वैष्णव संत महात्मा मिले तो सही। और वो व्यक्ति, वो महात्मा नहीं था, वो संत नहीं, वो था कोई घोर नास्तिक, जो न वेद को माने, न धर्म को माने, न ईश्वर को माने, न परलोक पुनर्जन्म को माने, वो एकदम पूरा चारवाक था, नास्तिक था। दोनों हाथों से खाने लग गया, ना आचमन ना भगवान का स्मरण, दोनों हाथों से खाने लगे, ना जूठे सकरे का विचार। तो अब वो स्वयं वैष्णव था भक्त, और इतने समय से संतों का संग कर रहा था, तो उसको पता था साधुओं का आचार विचार कैसा होता है। उसने हाथ जोड़कर कहा कि अरे आप कैसे महात्मा हैं, आपने भोजन के पूर्व न तो भगवान का स्मरण किया, ना ही आचमन किया, और दोनों हाथों से खाने लग गए, और आपको कोई झूठे सखरे का भी विचार नहीं है, लगता है आप कोई अवधूत परमहंस हैं क्या? अरे बोले मूर्खों, ये सब मूर्खों की कल्पना है, किस चिड़िया का नाम ईश्वर, मैं तो जानता ही नहीं, मैं मानता भी नहीं हूं, जानता भी नहीं हूं। कहने लगा नास्तिकता की बातें, वेद की निंदा, ब्राह्मणों की निंदा, संतों की निंदा। उसे बड़ी पीड़ा हुई, उसने कहा, अभी भोजन शुरू किया था, वो तो भोजन छोड़ के झगड़ने लग गया, वो तो नास्तिक था। तो उस सेठ को इतनी पीड़ा हुई, उसने सोचा कि ये हमारे घर का अन्न खाए ये ठीक नहीं है, इस दुष्ट को तो खिलाना भी पाप है और इससे बात करना भी पाप है, क्योंकि मानेगा तो नहीं तो और गाली बकेगा। तो उसने तत्काल अपने नौकरों को कहा कि कान पकड़ के धक्के देकर उसको निकालो कोठी से बाहर। उसी स्थिति में सेवकों ने स्वामी की आज्ञा का पालन किया, उसका कान पकड़ लिया, थोड़ी धुनाई पिटाई भी की और घर से बाहर निकाल दिया। भक्त ने आज भी कुछ खाया नहीं, जल पर ही रहा, बड़ी पीड़ा हुई, क्या पाप जग गया मेरा। तीसरे दिन भी एक ऐसे दुष्ट व्यक्ति का मुख देखने को मिला जो कहता ईश्वर किस चिड़िया का नाम है। बहुत पीड़ा हुई। रात्रि को स्वप्न में उसे भगवान का दर्शन हुआ और भगवान ने कहा कि सेठ जी, भगत जी, तुम इतने दुखी क्यों हो रहे? बोले महाराज क्या करें, हमारा कौन सा पाप जग गया,
तीन दिन पानी पर हो गया और तीसरे दिन भी मिला तो ऐसा दुष्ट व्यक्ति जो आपकी घोर निंदा करने वाला। भगवान ने कहा कि जैसा तुमने विचार किया ऐसा ही विचार अपनी सृष्टि के प्रति हम कर लें तो बिना प्रलय के प्रलय हो जाएगी, सब भूखे प्यासे रह जाएंगे। उस नास्तिक को जन्म से लेके अब तक एक भी दिन मैंने भूखा नहीं रखा। मैं कीर्तन करने वाले, स्तुति करने वाले, भजन करने वालों का पेट भरता हूँ तो अपनी निंदा करने वालों को अभी पेट भरता हूँ। सब पर मोरी बराबर दाया, और यदि ऐसा न करूं तो मेरे व्यवहार में विषमता हो जाएगी। मैं अपनी सृष्टि के साथ एक तरफा निर्वाह करता हूं और तुम अपने को भक्त मानते हो। अरे ठीक है, वो भक्त नहीं था, विमुख था, नास्तिक था, निंदक था, मनुष्य तो था, मनुष्य के आकार में तो था, भोजन तो कर रहा था। अरे जैसे उसकी इच्छा थी तृप्त होकर भोजन करता और चला जाता, लेकिन मैंने जिसे आज तक भूखा नहीं रखा और आज तुमने उसे भूखा ही एक दो ग्रास भोजन बेचारा कर पाया था, उसकी धुनाई पिटाई करवा के उसको तुमने तिरस्कृत किया, इससे मैं दुखी हुआ हूँ। इसलिए भेद रहित होकर के प्राणी मात्र की सेवा का व्रत लो, किसी में मनुष्य का दर्शन मत करो। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदों तिनके पद कमल सदा जोर जुगपान। भूखे की जाति, भूखे का धर्म संप्रदाय कुछ नहीं देखना चाहिए। भूखा मनुष्य भोजन का अधिकारी है, वस्त्रहीन वस्त्र का अधिकारी है, रोगी मनुष्य चिकित्सा का अधिकारी है। आप भगवत भाव से सेवा करें। भगवत भाव से सेवा नहीं करेंगे तो सेवा के नाम पर अपराध बनेगा। तो भगवान जैसे एक तरफा निर्वाह करते हैं, ऐसे ही भगवत भक्तों को भी एक तरफा निर्वाह करना चाहिए। इस संकल्प के साथ भजन करना चाहिए कि जैसे कर्म बंधन में बंध कर कर्म फल भोगने के लिए, अनेक प्रकार के ऋणानुबंधों की मुक्ति के लिए हमारा वर्तमान जन्म हुआ है, अब ऐसा जन्म हम दूसरा नहीं लेंगे। बहुत समय हो गया प्रभु से बिछुड़े हुए, अब तो सदा सर्वदा भगवान के चरणों में ही निवास करना है। हाँ आएंगे, हम जरूर आएंगे धरती पर। कब आएंगे? या तो ठाकुर जी भेजें तो आएंगे, या ठाकुर जी खुद आवें तो उनकी गैया बछड़ा बछिया ग्वाल वाल सखा सखी दास दासी जो बनाओ सो बन जाएंगे। आप जो बनाकर अपनी लीला का अंग बनाकर हमें ले चलें, अपना परिकर बनाकर ले खूब आएंगे। श्री गौर हरि के साथ संपूर्ण परिकर आया कि नहीं आया है? हम गौर हरि का नाम इसलिए ले रहे हैं कि तो कलयुग की बात है। संपूर्ण द्वापर का परिकर, भगवान के भक्तों का परिकर श्री गौरांग महाप्रभु के साथ आया कि नहीं आया? तो भगवान आवे, भगवान की आज्ञा से हम आवे तो ठीक है, लेकिन जैसा कर्म फल भोगने के लिए यह वर्तमान जन्म हुआ है ऐसा जन्म अब दूसरा न होवे। इस निश्चय के साथ भजन करें, और इस निश्चय के साथ भजन तभी होगा जब आप एक तरफा संसार से निर्वाह करने का निश्चय कर लें। अनुकूल से अनुकूल, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में हमें निर्वाह करना है। क्यों करना है निर्वाह? क्योंकि हमें सदा यहाँ रहना नहीं है और हमें लौट कर द्वारा आना नहीं है। यदि लौट कर द्वारा आना हो तो निर्वाह मत करो, फिर तो ईंट का जवाब पत्थर से दो तो फिर वो तो परंपरा चलती रहेगी। तुम ईंट का जवाब पत्थर से दोगे, फिर उसका जवाब देने के लिए वो आएगा, फिर तुम आओगे। ऐसे ही प्रतिशोध की भावना में पड़ करके बार बार पैदा होना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। सारे खाते आज ही समाप्त कर दो, बंद कर दो।
एक तरफा निश्चय कर लो सहन करने का, और सबके साथ निर्वाह करने का निश्चय कर लो, बस बात बन जाएगी।